हेलो गाइस, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब पर भाई और बहनों, आप सभी के लिए सुबह सुबह आज हम बहुत ही अच्छा अपडेट आप सभी के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि आपके लिए जो नोटिस है वो जारी हो चुका है। आज के न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्तियों का भी वहां पर अपडेट जारी किया गया है। साथ में आपके लिए जो आंगनबाड़ी विभाग की जो भर्तियां पेंडिंग में चल रही है, काफी जिलों के अंदर पूरे हरियाणा में जो आंगनबाड़ी विभाग की भर्तियों के नोटिस जारी हो चुके थे, उनके लिए जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। उस नोटिस क्या कहा गया है कि पंचकुला हो गया, जींद हो गया, अंबाड़ा हो गया, कैथल हो गया, इन चारों जिलों की जो भर्ती है उसके ऊपर नोटिस जारी हुआ है। हरियाणा से इन सभी जिलों से कोई भी भाई और बहन बिलोंग करता है तो जरूर देखना, साथ में जो बाकी जिले बच गए हैं उनके अंदर क्या अपडेट आया है वो भी हम बताएंगे। अगर मेरी बहन कोई भी आंगनबाड़ी विभाग में लगना चाह रही है तो हर जिले के अंदर जो बात है आंगनबाड़ी विभाग की मैं बताना चाहूंगा। हर जिले के अंदर इंटरव्यू होता है, हर जिले के अंदर फॉर्म भरे जाते हैं। अगर आपको आंगनबाड़ी विभाग के अंदर जॉब चाहिए तो मेरी बहन, मैं आपको जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले सबसे फास्ट गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। तो सुबह शाम दोपहर किसी भी टाइम कोई भी अपडेट आता है, सबसे पहले जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। साथ में अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हर एक अपडेट आपको हर एक जगह पर मिलेगा। सब 24 घंटे जो भी अपडेट आएंगे कंटिन्यू मिलेंगे, और आपको कुछ भी पूछना हो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं या हमें कॉमेंट करके भी बता सकते हैं। तो पंचकुला, जींद और अंबाड़ा जो कैथल है, उन चारों जिलों के अंदर किस प्रकार का आंगनबाड़ी विभाग का जो अपडेट है वो आज सुबह सुबह जारी हुआ है सरकार के द्वारा। एक बार मैं आपको दिखाता हूं नोटिस, एक बार डिटेल से बताऊंगा, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। ओके, मेरे सभी भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा ये अपडेट आप सभी के सामने है। बाल विकास, जो महिला बाल विकास हो गया यमुनानगर का, मैं आपको दिखाने वाला हूँ यमुनानगर वाले में क्या लिखा गया है। जगाधरी के अंदर एक भर्ती थी, आप सभी को बता था, मिशन वात्सल्य यमुनानगर हरियाणा के हदीन चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट के अंदर, तो उसको अब स्थगित कर दिया गया है। क्यों उसको स्थगित किया गया है? सभी को सूचित किया जाता है कि दिनांक 21/7/2023 को महिला और बाल विकास पंचकुला हरियाणा के निर्देशानुसार प्रशासनिक कारणों से मिशन वात्सल्य यमुनानगर हरियाणा के हदीन जो चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट थी उसको दस्तावेज स्थापन के करने के बाद आगामी सूचना स्थगित किया गया है। नोट दिया गया है कि भर्ती के पदों की संदर्भ में किसी भी अखबार के में प्रकाशित विज्ञापन शुद्धि पत्र के लिए दिए गए जो आदेश है उस टाइम तक आपका स्थगित माना जाएगा। 21 तारीख को जिसका भी इंटरव्यू हो चुका है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है तब भी ये भर्ती को यमुनानगर से वो यहाँ पर स्थगित किया गया है। कुछ टाइम के बाद में ये भर्ती को कंप्लीट भी करवाया जाएगा, क्योंकि हर जगह जो बारिश का सिस्टम चल रहा है, बाढ़ वाला सा सिस्टम हो रखा है। हरियाणा में भी आपने देखा होगा, अंबाला में भी भर्ती को आगे बढ़ा दिया गया है, यमुनानगर में भी कर दिया गया है, जींद में भी कर दिया गया है। एक बार मैं आपको एक जिले का और दिखा देता हूँ, कैथल का, वो भी अभी अभी ये नोटिस जारी हुआ है। आपके सामने जो भी अपडेट आते हैं सबसे पहले आपको बताए जाते हैं। तो ये भर्ती को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि कैथल जिले का जिला बाल विकास की इकाई है कैथल के अंदर, वहां पर भी यही सेम प्रोसेस रहने वाला है। जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला बाल विकास जो इकाई है कैथल के अंतर्गत चाइल्ड हेल्पलाइन विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए 25/7/2023 को अतिरिक्त उपायुक्त कैथल के कार्यालय में जो साक्षात निर्धारित किए गए थे, इन शासन विभाग के निर्देशानुसार आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है। विभाग से जो आगामी आदेश प्राप्त होंगे जनसाधारण को इसके संदर्भ में सूचित कर दिया जाएगा। परंतु हबीब कैथल के अंदर इस भर्ती को स्थगित किया गया, कल 25 तारीख थी, 25 तारीख को ये भर्ती के जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह कुछ भी हुआ है तो उस भर्ती में जो हुआ है वो ठीक है, आगामी आदेश तक इस भर्ती को आगे बढ़ाया गया है। कैथल हो गया, जींद हो गया, अंबाड़ा हो गया, यमुनानगर हो गया, इन चारों जिलों के अंदर इस भर्ती को आगे बढ़ा दिया गया। आगे कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी अपडेट आता है कि इस दिन से भर्ती को स्टार्ट किया जा रहा है, तो आपको आगामी आदेश जो भी आएंगे तुरंत आपको अपडेट करूंगा। भाई और बहनों, अगर मेरी बहन कोई भी आंगनबाड़ी विभाग में लगना चाह रही है, अगर आपकी फैमिली में कोई भी भाई है, बहन है, आपका वाइफ है, कोई भी है, तो अगर उसको आप आंगनबाड़ी विभाग में लगवाना चाह रहे हैं तो आगामी आदेश में जो भी अपडेट्स आएंगे कंटिन्यू आपको बताऊंगा, और आराम से आप उसको आंगनबाड़ी विभाग में लगवा सकते हैं। आंगनबाड़ी विभाग में ना किसी प्रकार का ज्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए, ना कोई एक्सपीरियंस चाहिए, डायरेक्ट आपका इंट्री होगा और वहीं पर आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। 10वीं पास वालों के लिए भी नौकरी है, 12वीं पास वालों के लिए भी नौकरियां होती है, और कोई भी अपडेट आता है सीधी जानकारी आपको बताएंगे। हरियाणा से आप किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं, नारनौल के अंदर भी भर्ती आने वाली है, रेवाड़ी में भी भर्ती आने वाली है, महेंद्रगढ़ के भी अंदर भर्ती आएगी। इन जिलों से काफी मेरी बहनें मैसेज करती रहती है, कॉमेंट करती रहती है, तो उनके लिए जो भी आंगनबाड़ी विभाग की भर्ती आएंगी, चाहे सिरसा जिले से हो, चाहे किसी भी जिले से हो, तुरंत आपको जानकारी
देंगे। पूरे हरियाणा में आंगनवाड़ी विभाग की भर्तियां हैं कंटिन्यू आने वाली हैं, हर जिले के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले सबसे फास्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करें। साथ में भाई गुरु बहनों, अगर आपकी कोई भर्ती ऐसी पेंडिंग है जिसका आपने फॉर्म भर दिया हो, कुछ भी इशूज नहीं मिल पा रहे हैं, इशूज है, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी भर्ती का अपडेट चाहिए, आपने कौन सी भर्ती का फॉर्म भर रखा है, नहीं उसका कोई ऑफर लेटर मिल पा रहा है, नहीं कोई उसका अपडेट मिल पा रहा है, तो मैं तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, तुरंत आपको अपडेट दूंगा। आपकी कौन सी भर्ती ऐसी है जिसका आपने फॉर्म भर रखा, आगे आपको अपडेट नहीं मिल पा रहा है, तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप मुझे कॉमेंट करिए। साथ में टेलीग्राम ग्रुप में भी बता सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी, आपके इश्यूज होंगे, जो भी प्रॉब्लम होंगे उनको समझा जाएगा और आपकी हेल्प पूरी पूरी की जाएगी। तो भाई गुरु बहन, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है अपने छोटे भाई का, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आप सभी वीडियो को देखते हैं परंतु लाइक नहीं करते। जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए इसी प्रकार से जो भी अपडेट्स आएंगे कंटिन्यू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।